नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है चंद्रमुखी 2 और ये मूवी आपको कोई सरोटी प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल वेसन चैनल पर देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रमुखी 2 एक 2023 भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो पी वासुदेव लिखित और निर्देशित है। अलाइका प्रोडक्शन के बैनर तले सुभाष करण अलीराजन द्वारा निर्मित है। ये चंद्रमुखी 2005 की अगली कड़ी है। फिल्म में राघव लॉरेंस हमशक्ल के रूप में दोहरी भूमिका में है। उनके साथ भूमिका में कंगना रनौत और लक्ष्मी मेनन के सहायक भूमिका कलाकारों की टोली है, जिसमें बॉडी लू शामिल है जो मूल भूमिका में है। राधिका शरद कुमार, महिमा नंबियार, दृष्टि डांगो राव, रमेश समीक्षा, कृष्णा सुरेश चंद्र मेनन, रवि मारिया, विग्नेश और बाईजी महेंद्र महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जून 2022 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी जुलाई में शुरू हुई और अगस्त 2023 में मध्य तक पूरी हो गई। संगीत M.A. किरवानी द्वारा रचित है, जबकि छायांकन और संपादन क्रमश R.D. राजशेखर और अंथानी द्वारा संभाला जाता है। चंद्रमुखी 2 को 28 दिसंबर 2023 को समीक्षकों की नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुल माता भगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके 4 बेटियों भी हैं, जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी के साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं, जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम पैलेस को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजान में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक उस खबर झांझा कि चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभागा मगाया था। निराकित होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूत है। एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी
भयभीत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शैली के केंद्रीय दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनि युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र्य बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है या कंटूटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपियों का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांस की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटूटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। ट्रेंट मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जल रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम इन द बैग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रीडिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्क वार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटी प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सिप्स के एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डिमोन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलन्स कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। इस जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये
आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनरिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू जोंसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू जोंसी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोफ्सी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकल्पता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती हैं। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुख्यात रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरु जी के सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरुमोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्रों में ले जाती है जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है जिसके चंद्र की बहुत निराश हो जाती है जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर छाजा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले की घटी थी जब गुरुजी आते हैं। गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभागा मगाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूख तो है एक आत्माचरित घटना घटनी क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं जिसमें वो खुश हो जाते हैं लेकिन बड़ी बार सक्कर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पिंटियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक कभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती 21 वर्ष
बाहुबली के केंद्रीय दर्शक के लिए मनोरोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। युक्त और घोषित विजय तामिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक रूपी का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम इन द बैग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रीडिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के डेनमार्क शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सिंधु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर रिलेटिव प्राइस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सिप्स के एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुनिश्चित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय की परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन फेनिक्स के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके
पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लो जर्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लो जर्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुल माता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी की सलाह देते हैं, जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वैलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजान में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है जिसके चंद्र की बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। यह जनक उस खबर छाजा कि चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी जब गुरुजी आते हैं। गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्यों ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराकित होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर कहा, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद लेकिन जल्दी ये पता चलता है कि वो भूत है। एक आत्माचरित घटना घटनी क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन परिवार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और भतीजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक कभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक स्ट्रीम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर प्रसन्नता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं। अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को यह दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुनिश्चित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय उद्योगी के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के खतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन भेनिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हित मतांग आंदोलन में भाग लेती थी, विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड
ब्लू जोंसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एन ब्लू जोंसी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान डोमिनियंस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकल्पता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुल माता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं, जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं, जो भट्टयापुरम में उनके पैतृक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है, जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम पैलेस को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा भुंगड़ू मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिवार में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर झांझा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभागा मगाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूत है। एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली, जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी भयभीत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विंकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्रीय दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेता कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तामिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांस की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। चैंट मिकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जेल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को यह दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम्स के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुनिश्चित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन शक्तियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके
पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी। विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लू जोन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंग्लू जोन्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकल्पता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरु जी के सलाह देते हैं, जो भट्टयापुरम में उनके पैतृक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरुमोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्रों में ले जाती है जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर झांझा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी जब गुरुजी आते हैं। गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां जामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराश होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की होए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूत है। वह एक आत्माचरित घटना घटती क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार शक्कर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक कभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की असन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विंकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेता कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर
प्रोसिंग्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत सातन बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि इनमें कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। ट्रेंट मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है कुछ भी। डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम इन द बैग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकी तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के डेनमार्क शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंथो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर रिलेटिव प्रयास के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सिप्स के एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुनिश्चित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय उद्योगी के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। इस जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन के साथ सर्वेश देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण और विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन भेनमी के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी, विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड
ब्लू जर्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एन ब्लू जर्सी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकल्पता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं, जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहते हैं। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं, जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है, जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वैलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजान में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्र की बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर छाजा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्यों ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराश होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्दी ये पता चलता है कि वो भूत है। वो एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली, जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और भतीजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विंकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए मनोज होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। खनियुक्त और घोषित बजट तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटों में पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली एक
आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संगठनों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलियों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है, जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं। अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई संसाधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सिंधु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया, जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवर्क के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं, जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके उनके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं, जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है, जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। इस जिले सर्वज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेकिन के साथ सर्वज देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है, जिसके डेमन भिन्नमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम उचित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी, विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू जोंसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं, जो एंड्रू जोंसी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लॉफ्सी के पाकिस्तान ड्यूमिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी।
एक अमीर परिवार की कुल माता रंगनाथम की उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके पैतृक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझक हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वैलेस को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है जहाँ वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। यह जनक खबर झांझा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाला मगाया था। निराश होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूत है। एक आत्माचरित घटना घटनी क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं जिसमें वो खुश हो जाते हैं लेकिन बड़ी बार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है जो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और भतीजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी भयभीत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेताक कहानियों के रूप में काम करती है। धनीयुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैलियों एक दूसरे के समाहित होते हैं जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकेडमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है या कंटूटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े
रुपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांस की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि टमी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। चैंट मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल रिजेस आर्थर कॉनर डायल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों के तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को यह दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम्स के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्राइस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुनिश्चित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिक परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनरिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू जोंसी के स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू जोंसी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी।
एक अमीर परिवार की कुल माता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरु जी के सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर झांझा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनंद के साथ पहले गंगा को संभागा मंगाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका कहा जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद लेकिन जल्दी ये पता चलता है कि वो भूख तो है एक आत्माचरित घटना घटनी क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं जिसमें वो खुश हो जाते हैं लेकिन बड़ी बार शक्कर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पिटियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और भतीजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं तक कभी पता नहीं चलता। विवादों का पता लगाते हैं लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी वे अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश किसी वर्ष शोली के केंद्रीय दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतात्मक कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्रोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है या कंटूटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े
रुपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंट मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के डेनमार्क शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिक के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सेवक ट्रे के आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन शक्तियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हित मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू जोंसी के स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू जोंसी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोबसी के पाकिस्तान डिवीजन के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी है जिनमें से गायत्री प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी
भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी के साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी की सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। यह आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है जिसके चंद्र की बहुत निराश हो जाती है जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर छाजा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी जब गुरुजी आते हैं। गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने श्रवण के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद लेकिन जल्दी ये पता चलता है कि वो भूग तो है एक आत्माचरित घटना घटनी क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं जिसमें वो खुश हो जाते हैं लेकिन परिवार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा फिर भी अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष शैली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। युक्त और घोषित बजट तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं जिसमें एक शैलीगत सातन्य बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कट्टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव
अद्वैत माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्यों के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिस जेल्ड रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पसंदता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय उद्योगी के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सर्वज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वज देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन शक्तियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ड्योन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू ड्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोबसी के पाकिस्तान ड्योन्स के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुल माता गणनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती हैं। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं जो
भट्टयापुरम में उनके पैतृक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है, जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि शिक्षक हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा लिखा गुरु मोगज की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर झांझा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटफियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराश होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की होए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूत है। एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिब्बा फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिब्बा के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली, जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में रंगनायकों को उसकी भतीजी और भतीजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता, विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है, दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है, जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेताक कहानियों के रूप में काम करती है। धनीयुक्त और घोषित बजट तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैलियों एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपी का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में टू टामी उन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही
समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे। अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कैलिसो जॉयल रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर प्रसन्नता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने सवालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिव प्राइस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। इस जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए, लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ज्योन्सी के स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू ज्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकल्पता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विघ्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं
और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा भुंगड़ुओं के उसकी चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक उस खबर छाजा कि चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चामचंद्र आचार्य ने सर्वनंद के साथ पहले गंगा को संभागा मंगाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है, और उसके बाद लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूख तो है, वह एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार शक्कर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पिंटियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो ए वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक कभी पता नहीं चलता, विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरमों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है, वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विंकेश इसमें वर्ष शोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्सर नेता कहानियों के रूप में काम करती है। युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र्य बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संगठनों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में टू टामी उन क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्म के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। टेंट मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे।
अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कैलिसो जेल्ड रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रीम्स शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेनमार्क के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सिंधु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं इस जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनब्रिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंग्लू जेंसी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंग्लू जेंसी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी है जिनमें से गायत्री प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी के साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी की सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं
और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा भुंकड़ुमोंगे उसकी चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है जहाँ वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। यह आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर छाजा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभागा मगाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्दी ये पता चलता है कि वो भूत तो है, एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन परिवार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता कि विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि में कट्टू टामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मिकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे।
अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कैलिसो जेल्स रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाद दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटी प्रायस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय उद्योगी के परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेश देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये एक आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनरिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने के पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ज्योन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू ज्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लॉबसी के पाकिस्तान ड्योन्स के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी की सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके पैतृक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझके हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वैलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं
और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा गुरु मोगस की चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर झांझा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराश होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूख तो है, एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोड़ में पंडियन को नजर मिट्टियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता, विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी वे अभी तरह कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्रीय पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश इसमें वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। धनीयुक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैलियों एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपी का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्य है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्य के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है। जिस दोस्त सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे,
अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कालिसो जर्ल रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लेट होम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेन शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर प्रसन्नता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम द बेग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदायों के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बादी दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था अंदर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवा कर अपतिक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंथो सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम्स थेम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटिन प्राइस के जुड़े जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्कनेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सिप्स के एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू कर देते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुनिश्चित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। जिले सरबज के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैग आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज कर धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन फेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम विकसित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके संपर्कों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंड्रू ड्योन्सी की स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंड्रू ड्योन्सी की जमनत सिंह के बाद एंड्रू ब्लोपसी के पाकिस्तान ड्योन्स के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकल्पता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुल माता मगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भागों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती है। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी का साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुरुजी के सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम पैलेस को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं
और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा भुंगड़ूमोगे उसकी चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है, जहां वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। ये आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर छाजा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां चंद्रमुख रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभागा मगाया था। निराकित होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है, और उसके बाद लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वो भूत है। वह एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन बड़ी बार शक्कर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मौतों से मदद मिली, जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पिटियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक कभी पता नहीं चलता, विपारों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी भयभीत रहे कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है, जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पात्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती विकेश इसमें वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेता कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनि युक्त और घोषित बजाय तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज़ के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र्य बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटुटामी बोलने समय अन्य प्रभावों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटुटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराहत कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। सेंट मिकेल्स हार्फर्न जैसी साहित्यिक विविध पत्रिकाएं दिल्ली ही समाज में लोकप्रिय कथा साहित्य के समग्र संरचना और कार्यों के लिए केंद्र बन गई हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादित माध्यम उपलब्ध हुआ है, जिससे सस्ते चरित्र प्रकाशन पेश करना था जो अनिवार्य रूप से डिस्पोजेबल थे।
अपने समय के कई अन्य महत्वपूर्ण कथा लेखकों के क्योंकि तरह जैसे बल्कि कैलिसो जेल्सन रिजेस आर्थर कॉनर डॉयल की शार्लट गोम्स कहानियों पहली बार यूनाइटेड किंगडम में मासिक ड्रेम शारीरिक रूप से छपी। वर्णन आमतौर पर स्वतंत्रता का आह्वान नहीं करता है। कुछ भी डार्कनेट और जुड़े मानव अनुयायी ने बालों के गेम इंजन अपने पुरस्कार विजेता गेम इन द बैग के लिए दो आधार के रूप में उपयोग करते हुए अपने रेटिंग प्रणाली की अर्थव्यवस्था को बनाई है। ऑनलाइन पहचान एक MMORPG की नकल करती है जिसमें संचालक स्तर शामिल करने हैं और नई प्रतियोगियों तक पहुंचने प्राप्त करते हैं और अपनी समुदाय के आगे बढ़ाने के प्रयास में डेमन से सहायता प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कई साधन धीरे धीरे अपनी स्थितियों और समग्र रूप से अपने समाज को बेहतर बनाने के साधन के रूप में डेमन के शामिल होते हैं। अमरीका सरकार और उसके सहयोग के आमतौर जनता को ये दिखाने के प्रयासों के कारण वे सभी को प्रयासों के बाहरी दुनिया का मानना है कि डेमन अभी भी एक धोखा है। सच में अमेरिका राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था डर रही है और ईंधन की कीमत और बेरोजगारी दर दोनों आसमान छू रही है। पहली किताब की तरह आसाम को जुड़ी कहानियों विशिष्ट यात्रियों का अनुसरण करती है। उसके बाद जासूस सेवक और अब तक अनिच्छुक डेमन के ऑपरेटिव रूप में काम कर रहे हैं। स्वर्गीय सेंतु सोबल के अपराध द्वारा खोज पर भेजा गया जिसमें एक मानव जाति के लिए स्वतंत्रता की भूमिका निर्धारित कर रहे होते हैं। ऑनलाइन डार्कवार के आइटम के थीम्स के ड्रीम्स के खोजने के विशेष छपने के उपयोग करते हैं जिसमें एक डेमन ऑपरेटर लेटी प्रायस के जुड़ जाते हैं और उसे जल्द ही पता चलता है कि उसकी खोज की निगरानी पूरे डार्क नेट समुदाय का द्वारा की जा रही होती है। सबके एक अन्य ऑपरेटिव की मुलाकात करने अपनी खोज शुरू करते हैं जो उसे एक नए डेमन के समुदाय के सुरक्षित करता है जिसे होलंस कहा जाता है जो आत्मनिर्भर होती है। प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत और प्रौद्योगिकियों के उद्योग करने के प्रकार के वितरित समय औद्योगिकी परिसर से बचने पर आधारित है। वो आजादी जो डेमन समुदाय चाहते हैं। इस जिले सरबत के सिखता के डार्कनेट को कैसे नॉमिनेट किया जाता है, अपने भाग के लिए उसका उपयोग कैसे किया जाए। लेनी के साथ सर्वेस देश में यात्रा करते हैं और देश डेमन के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं का एक देखता है। सिबक ड्रैगी आयोजन नामक शहर में जॉन रॉय के साथ फिर से मिलता है और ये आक्रमण का विनाश के लिए कुनील शक्तियों द्वारा चुने गए एक मध्यम पश्चिम शहरों में से एक सेवक ने डार्कनेट से खोज धागा वापस आता है और वो लेनी दुश्मन के रेखतियों के माध्यम से इनका पीछा करते हैं। केवल ये पता चलता है कि ये मेजर द्वारा बिछाया गया जाल है जिसके डेमन भेनमिक के घुसपैठ करते हैं और मामूली सी बदलाव करने का एक माध्यम कुक्षित होता है। मेजर द्वारा बाध्य होने की पूछताछ करने के बाद जो उसके पलकों के बावजूद जिसमें खुदाई हिंद मतांग आंदोलन में भाग लेती थी विस्तु उत्तर पश्चिम समेत प्रांत के एंडब्लूजेंसी के स्वतंत्र प्रस्तुत राज्य बन गए हैं जो एंडब्लूजेंसी की जमनत सिंह के बाद एंडू ब्लोसी के पाकिस्तान ड्यूनिस के शामिल कर दिया जाता है। समीक्षाओं के साथ रिलीज किया जाएगा और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक विकलता के रूप में उभरी। एक अमीर परिवार की कुलमाता रंगनाथम के उनके परिवार के सदस्यों के साथ दुर्भाग्यों की एक श्रृंखला से गुजरती है। उनके परिवार में उनके बड़े भाई सुरेश मेनन, उनके बेटे रवि मारिया और उनका परिवार, उनके छोटे भाई विग्नेश और उनका परिवार शामिल है। उनके चार बेटियों भी हैं जिनमें से गायत्री, प्रिया और दिव्या उनके साथ रहती हैं। परिवार को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ता है जब उनकी बड़ी बेटी भाग जाती है और बाद में अपने पति का पत्नी के साथ एक विभाग दुर्घटना में कुखद रूप से मारी जाती है। आगे की आपदतों को परिवार की फैक्ट्री में रहस्यमय आग लगना, दिव्या को एक कार दुर्घटना में अपराजित हो जाना शामिल है जिसमें उसकी सगाई टल गई। समाधान की तलाश में रंगनायकों के अपने पारिवारिक ज्योतिषी गुजरजी की सलाह देते हैं जो भट्टयापुरम में उनके प्रत्येक मंदिर में प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। प्रार्थना में पूरे परिवार को उपस्थिति के आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक बड़ी बेटी के अनाथ बच्चे भी शामिल है जो अब पंडियन की देखभाल में है। हालांकि झिझकते हुए परिवार ने गुरुजी की सलाह का पालन किया और भट्टयापुरम की ओर चले दिया। आगमन पर वे भट्टयापुरम वेलेश को उसके नए कार्यकर्ताओं के गुरु दर्शन के उसके तिल के चाचा से 48 दिनों के लिए पट्टे पर लेते हैं
और हम महल के दक्षिण हिस्से में जाने के लिखा भुंकड़ूमोंगे उसकी चेतावनी के बावजूद चले जाते हैं। जिज्ञासा प्रिया को निषिद्ध क्षेत्र में ले जाती है जहाँ वो अनजान में चंद्रमुखी की आत्मा को रंगीली में मुक्त कर देता है। इस बीच परिवार को अपना मंदिर खंडहर में मिला पंडियन मंदिर की सफाई का काम अपने ऊपर लेता है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण मंदिर परिसर में आग लग जाती है। यह आग अनजाने में बेटियों की आत्मा को उजागर कर देती है, जिसके चंद्रमुखी बहुत निराश हो जाती है, जिससे महल में अराजकता की लहर दौड़ जाती है। निराशजनक खबर छाजा की चंद्रमुखी ने घर की एक महिला पर कब्जा कर लिया है। चंद्रमोहन ने खुलासा किया कि ऐसी ही एक घटना 17 साल पहले भी घटी थी, जब गुरुजी आते हैं गुरु मृगोशम गांव की पिछली मनोवैज्ञानिक पीड़ा के बारे में विस्तार से बताते हैं, जहां वो खुद को चंद्रमुखी के रूप में कल्पना करते हैं। हालांकि अब असली चंद्रमुखी सामने आ गई है, जिसमें खतरा बढ़ गई है। इसके बाद परिवार बेटवियन के दरबार में जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान जहां रामचंद्र आचार्य ने सर्वनन के साथ पहले गंगा को संभाया था। निराकृत होकर गुरु जी को पता चलता है कि कोई पहले से ही इन्हें विशुद्ध करने में प्रवेश कर चुका है, जिसमें चंद्रमुखी को आत्मा वास्तव में मुक्त हो गई है। पहले की खोए की कारण प्रभावित तो संदेह प्रिया पर जाता है और उसके बाद, लेकिन जल्दी ये पता चलता है कि वो भूग तो है एक आत्माचरित घटना घटनी, क्योंकि दिव्या फिर से चलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं, जिसमें वो खुश हो जाते हैं, लेकिन परिवार सकर में पड़ जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि दिव्या के घास चंद्रमुखी की पायल के एक मोतों से मदद मिली जो उसे पहनी थी, क्योंकि उसे प्राचीन वस्तुओं के इकट्ठा करने का शौक था। भागों के एक मोर में पंडियन को नजर पंडियन को कमरे के नीचे गुप्त कमरे पर पड़ती है, जो वो उस पर मोहित हो जाते हैं। चंद्रमुखी के कब्जे में दिव्या रंगनायकों को उसकी भतीजी और पतिजी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। तक अभी पता नहीं चलता कि विवादों का पता लगाते हैं। लगातार इन दो चरणों के सीमाओं के बीच नायक और अधिक महत्वपूर्ण रूप से दर्शक है दो तोड़ते हैं। ये असमाप्त बात नहीं है कि दर्शकों को ये आश हो कि नायक खलनायक को हरा देगा, फिर भी अभी तरह की वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अक्सर एक केंद्रीय रहस्य होता है जिसे नायक को सुलझाना होता है। वो रहस्य जो दर्शकों नायक के लिए अस्पष्ट होते हैं, जिसमें ये जानना मुश्किल होता जाता है कि नायक पर भंडारा रहे विनाश की आसन्न भावना को सफलतापूर्वक सुलझाने के लिए क्या आवश्यक है। डरावना नाटक इसमें अक्सर केंद्र पत्र सोच समाज से अलग अलग शामिल होते हैं। ये पात्र अक्सर किशोर या अपने शुरुआती व्यंकेश किसी वर्ष टोली के केंद्र दर्शक के लिए लोग होते हैं और अंततः फिल्म के दौरान मारे जाते हैं। विषय रूप में डरावनी फिल्म अक्षय नेतृत्व कहानियों के रूप में काम करती है। ध्वनियुक्त और घोषित बजट तमिल स्तर विज्ञान के नियमों के अनुसार किसी शब्द में उनकी स्थिति के आधार पर प्लोसिक्स को आवाज के साथ व्यक्त किया जाता है। अपनी बोलियों के अलावा तमिल फिल्म के रूपी के प्रदर्शन करता है। प्राचीन भाषा संकटोमी पर आधारित एक शास्त्रीय साहित्यिक शैली, एक आधुनिक साहित्यिक और औपचारिक शैली और एक आधुनिक बोलचाल का रूप में ये शैली एक दूसरे के समाहित होते हैं, जिसमें एक शैलीगत स्वातंत्र बताता है। उदाहरण के लिए एकटमी से ली गई शब्दावली के साथ सेटोमी लिखना संभव है, या कंटूटामी बोलने समय अन्य प्रभारों में से किसी एक जुड़े रूपये का उपयोग करना संभव होती है। आधुनिक समय के संकटमों का उपयोग आमतौर पर आम औपचारिक लेखन और भाषाओं के किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पाठ्य पुस्तक का अधिकांश तमिल साहित्य और सार्वजनिक भाषा और ब्रह्मांश की भाषा में की भाषा होता है। हालांकि कंटूटामी उन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है जिनमें पारंपरिक रूप से सेंटामी का प्रभाव माना जाता है। परिधानों के साथ पोशाक खत्म हो गया होगा और विभिन्न दृश्यों है, जैसे प्रतिद्वंदी गैंगस्टर को प्रभावित करने के लिए अर्जुन ने कपड़े उतारे और श्रृंखला को 2.5 स्टार रेटिंग दी गई। 19वीं शताब्दी के उतार धर्मों के यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रिंट मास मीडिया का विकास अपराध कथा के सिमिलिंग शैलों के लोकप्रियता बनाने के लिए महत्वपूर्ण था। स्टैंड मुकेल्स हार्फन जैसी साहित्यिक विविध